हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सुशांत में, और मैं हूं आपका होस्ट सुशांत। आज मैं फिर से आ गया हूं आप लोग के सामने एक और न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन हेवी ड्राइवर गेम में एक न्यू अपडेट आने वाला था हॉर्स का, तो वो दोस्तों आ चुकी है। आज का टॉपिक वही है। आज मैं इस वीडियो में आपको हॉर्स की चीट कोड और डीजे लाइट्स के न्यू अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन में हॉर्स और ये डीजे लाइट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे भी मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये हॉर्स का अपडेट आ चुका है। मैं इस हॉर्स की चीट कोड के साथ आपको एक नई ट्रिक भी बताने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं अभी नहीं आपको चीट कोड बताऊंगा, मैं लास्ट में आपको चीट कोड बताऊंगा और ये डीजे लाइट कैसे ऑन करते हैं ये भी बताऊंगा। तो आप जैसे देख रहे हैं कि हॉर्स में आप लोग इसको ऐसे नचा भी सकते हैं। देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। और वो जो एक न्यू ट्रिक है वो क्या है कि हॉर्स भी चला, हॉर्स के साथ साथ अब कोई भी एक कार चला सकते हैं। वो डीजे कार्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल कार्स भी हो सकते हैं। वो कैसे चलाते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको चलते हुए हॉर्स से कूद जाना है, मतलब चलते हुए हॉर्स से उतर जाना है और हॉर्स ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, और आप कोई भी कार मंगा सकते हैं। मैं अभी आपको डीजे महिंद्रा डीजे पिकअप को मंगा के दिखाता हूँ। आपको उसका चीट कोड तो पता ही होगा, 9999। उसमें जो न्यू अपडेट आया है लाइट्स, डीजे लाइट्स का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारा डीजे पिकअप आ चुका है। अब हम इसमें बैठते हैं और इसके लाइट्स को ऑन करते हैं। तो चलिए देख, आपको लाइट्स ऑन करने के लिए मॉडिफाई में जाके आप लाइट्स को आसानी से ऑन कर सकते हैं। अब आप थोड़ी देखते रहिए कैसे ये घोड़ी भी साथ में दूर चल रही है और मैं डीजे भी चला रहा हूँ। ये डीजे लाइट बड़ा ही शानदार लग रहा है और इसमें बहुत से अपडेट आए हैं मैप में। जैसे आपको आगे दिख रहा होगा एक ब्लू कलर की ट्रक चल रही थी पीछे, वो अभी चली गई। मैं देखिए पीछे दिख रही होगी, ब्लू कलर की बड़ी ट्रक है, वो ट्रक पहले नहीं थी, अब वो आ चुकी है ट्रक। और एक जैसे पहले लैम्बोर्गिनी कार्स जो चलती थी वो ग्रीन कलर में आती थी, अब वो वाइट कलर में आने लगी है। ये दो अपडेट और हैं जो मैप में है, वो आप ट्रक चला नहीं सकते। मैंने कोशिश किया था कि शायद मैं चला सकता हूँ क्या रोक के, लेकिन नहीं, उसमें बैठ नहीं सकते हम। बस इसमें बस यही दो अपडेट हैं कि डीजे में लाइट्स लग चुके हैं, डीजे लाइट्स, और ये घोड़ी आ चुकी है। और जो मैंने ट्रिक बताया कि घोड़ी के साथ साथ आप कोई भी एक कार चला सकते हैं, जैसे कि मैं आपको भी स्क्रीन में चला कर दिखा रहा हूँ कि मैं चला रहा हूँ डीजे पिकअप और घोड़ी उधर खुद से चल रही है। तो दोस्तों आप थोड़ी देर गेम के मजे लीजिए और मैं कुछ देर में आपको घोड़ी के चीट कोड्स बता दूंगा। आप देख सकते हैं पीछे घोड़ी कितनी अच्छी शानदार तरीके से दौड़ रही है और कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ी सी डीजे ट्रक को थोड़ी बाहर भी चला के आते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं क्या क्या अपडेट हुए हैं मैप में, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हम बाहर आ चुके हैं, आगे आप देख रहे होंगे वो लैम्बोर्गिनी कार है। पहले वो लैम्बोर्गिनी कार ग्रीन कलर में ही थी, अब वो वाइट कलर में भी आ चुकी है। मैं अभी जा रहा हूँ फील्ड में, डीजे लाइट्स देख लीजिए ऑन कर दिए मैंने फिर से, और मैं थोड़ा सा यहाँ भी चला लेता हूँ, फिर आपको चीट कोड्स बताता हूँ।
मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैप में एक ब्लू मतलब बड़ा सा ट्रक भी आपको देखने को मिलेगा, और लैम्बोर्गिनी व्हाइट कलर में आपको देखने को मिलेगी। ग्रीन थी पहले, अब वाइट हो चुकी है। अब मैं आपको बता देता हूँ घोड़ी की, हॉर्स की जो चीट कोड है वो है 1111, मतलब 4x1। अगर आप 4x1 लिखेंगे तो हॉर्स आ जाएगी। और डीजे पिकअप का जो चीट कोड आपको तो पता ही है, 9999। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आगे भी आपको मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहें।